पाकिस्तान दौरे पर गई वेस्टइंडीज की टीम पर लगातार कोरोना का हमला हो रहा है, जिसके बाद पाकिस्तान और वेस्टइंडीज के बीच खेली जाने वाली वनडे सीरीज को स्थगित कर दिया गया है। पीसीबी और वेस्टइंडीज क्रिकेट बोर्ड ने बताया कि गुरुवार को कराची में वेस्टइंडीज के कैंप में 5 लोगों के कोविड पॉजिटिव आने के बाद 3 मैचों की वनडे सीरीज को अगले साल जून तक बढ़ा दिया गया है। दोनों टीमों के बीच 18 से 12 दिसंबर तक कराची के नेशनल स्टेडियम में ही 3 मैचों की वनडे सीरीज खेली जानी थी। वेस्टइंडीज 21 खिलाड़ियों के साथ पाकिस्तान दौरे पर आया था, लेकिन उसके 6 खिलाड़ी और सहयोगी स्टाफ के 3 सदस्य कोरोना पॉजिटिव आए हैं। इसके अलावा एक खिलाड़ी डिवॉन थॉमस पहले T20 मैच से ही उंगली में चोट के कारण बाहर है। वेस्टइंडीज के अब सिर्फ 14 ही खिलाड़ी खेलने के लिए उपलब्ध हैं। गुरुवार को वेस्टइंडीज के 5 सदस्यों के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद बाकी बचे 15 खिलाड़ियों और 6 सपोर्टिंग स्टाफ का रैपिड एंटीजन टेस्ट भी किया गया, हालांकि ये टेस्ट निगेटिव आया। इसके बाद दोनों देशों के बीच गुरुवार को आखिरी T20 मैच खेलने की परमिशन मिली थी और पाकिस्तान ने इस मैच को जीतकर 3 मैचों की T20 सीरीज में क्लीन स्वीप कर लिया है।